मिल लिए यश जी से। हाँ चलें, चलो बैग ले लो, चलो फिल्म की शूटिंग करते हैं। ये कसिनो है यहाँ का, और यहाँ पे ने उस्ताद। बस आ गई है बस। सो इट्स माई लास्ट डे इन स्विट्ज़रलैंड टुडे, और 18 दिन का ये सफ़र ख़त्म हो रहा है आज। रात को 11 बजे ट्रेन है मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, वो तो नेक्स्ट वीडियो में पता पड़ेगा कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ना आज का पूरा दिन है घूमने के लिए। अभी तो इंटरलॉकन में हूँ, और देखते हैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस दिन को। पैराग्लाइड हो रही है हर जगह यहाँ, तो सब एक साथ उड़ते हैं, ये आपस में ही टकराते हैं, ये लैंड होने वाला है। और 92 फैंक्स का टिकट देके वन वे महेंद्र भाई आ गए हैं जिनीवा से यहाँ तक। कैसा रहा 92 फैंक्स? बहुत महंगा है ना? हाँ यार महंगा है, इसमें तो प्लेन की भी टिकट आ जाती है। हाँ, सही बोल रहा हूँ। तो मैं अपना स्विस ट्रैवल पास के लिए देता हूँ 22 फ्रैंक्स और पूरा स्विट्जरलैंड घूमता हूँ। आप 92 फ्रैंक्स में जिनीवा से आए हो बस? 22 फ्रैंक्स, क्या बात कर रहे हो? तो इनको मैं बता रहा था कि शाहरुख खान और काजोल का सीन यही शूट हुआ था, फूल से पिचकारी चलाते हुए। अच्छा, फूल की पिचकारी यहाँ पे? यहाँ पे एग्जैक्ट इस पोजीशन पे। अच्छा, फिर वो भागे थे। अच्छा हाँ, वो देखते हैं यार, फिर यूट्यूब में देखते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। और इसके सामने वो यश चोपड़ा का स्टैच्यू है कसिनो का, यही है ना ये फाउंटेन। ये वैसे मूवी देखी और सीन याद है तो ही याद लगता है कि यही हुआ है, वरना याद नहीं आता। तो ये टेंट वेंट लगाए हुए हैं यहाँ स्टैचू के पास में, कुछ इकोनॉमिक फोरम है इनका, PwC और कंपनीज भी आई हुई है, वरना ये टेंट्स नहीं थे अभी पिछले हफ्ते में था ना। और वो अपने यश साहब, हो गया इंटरलॉकन का आपका टूर, थॉमस कुक बना दिया आपने मुझे। तो चलो आपको एक और मेरी फेवरेट लोकेशन दिखाता हूँ, वहाँ पहुँच के बताऊँगा कि क्या है वहाँ का। अंदर से जाना है यहाँ से चल। टिकट लेते हैं, इनको ट्रेन के टिकट दिला रहा हूँ यहाँ से, और इतने सारे चेंज है। अरे वो कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। हाँ, जितना भी देख लो इस व्यू को कम ही पड़ता है, सोचा एक आखिरी बार देख लूँ इसको। फोटो क्लिक करना है आपका? हाँ, ये व्यू के साथ। तो यूके का नंबर है ना? अच्छा, और तो अभी मैसेज आया है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा, तो इंडिया यूके वालों को ये दिखा दो। ये मैसेज आया है कि बिना उसके अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्या डबल वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन कुछ और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अब, फिर से चलता ही रहेगा ये थर्ड वेव फोर्थ वेव। वाटरफॉल को दूर से बहुत देखा, अब सोचा कि चलो लास्ट है, थोड़ा चढ़ के ऊपर जाते हैं। यहाँ से मैं पहले गया हुआ वैसे 2018 में, इसका फील अलग ही है। और दिन का टाइम और संडे होने के कारण भीड़ भी बहुत है, माउंटेन गोर्स भी खूब सारी। There is a tunnel to go inside the waterfall. Going there now. Waterfall ka pani. This is it. Here is the waterfall. पूरा 2018 की याद आ गई यहाँ आके। कैसा मजा आया वाटरफॉल? बहुत ज़्यादा। लॉटरबुरन कैसा लगा? अमेजिंग है ना? ऐसी कोई वैली देखी है कहीं पे? नहीं नहीं यार। वैली ऑफ शिमला छोड़ के 72 वाटरफॉल्स एंड दिस व्यू।
someday I'll come back here. I don't know when, but yes. और ये कब्रिस्तान के सीन ही कुछ और है। ये घंटी याद रहेगी लंबे टाइम तक। इंटरलॉकर दिखाया, देन वी वांट टू लॉटर बुनन घुमा, और फिर अब इनको जिनेवा की ट्रेन कितना 3.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। 3.5 घंटे में जिनेवा पहुँचेंगे, इसलिए मैंने बोला कभी जिनेवा नहीं रुकना अगर स्विट्जरलैंड घूमना है तो। इनको फ्रांस जाना है तो इनके लिए ठीक है, जिनेवा से फ्रांस लगा हुआ ही है तो ही विल गो टू पेरिस। तो फिर मिलना होगा, तो चलो मैं निकलता हूँ अभी, आप जिनेवा पहुँचिए। चलो ठीक है, ओके। मुझे भी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, 6:30 हो गया और मुझे बेसल की ट्रेन पकड़ के वहाँ से रात के 11 बजे ट्रेन है बेसल से। तो चलो हॉस्टल के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, चलो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो ये जो है ये इंटरलॉक स्टेशन से थोड़ा दूर पड़ता है, 1.1 किलोमीटर दूर, और 30 फ्रेंक्स पर नाइट है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर जो मैंने यूज़ नहीं करी। का स्टे था, ज़्यादा कुछ पता ही नहीं पड़ा, टाइम का निकल गया। लूसर्न से जब आया था मैं तो रात हो गई थी ऑलमोस्ट, और उस दिन तो बस रात में रेस्टोरेंट में खाना खाया, नेक्स्ट डे फुल डे वहाँ चला गया था जिनेवा, रात को आने 12 बज गई थी, और आज भी फुल डे आउट। तो इस हॉस्टल का तो पता ही नहीं पड़ा, बट वॉज नाइस, बहुत बड़ा था, ऑलमोस्ट 200 लोग रह सकते हैं इस हॉस्टल में, तो काफ़ी धूमधाम रहती थी। रात के 3 बजे तक जब मैं एडिट कर रहा था तो पार्टी चल रही थी लोगों की। आ गया है स्टेशन इंटरलॉकन वेस्ट, यहाँ से 1.5 घंटे में ट्रेन है। अब 1.5 घंटे में क्या कर सकते हैं हम। ये अपने हरियाणा के थे संदीप राठौड़, और जर्मनी शिफ्ट हुए, ये एजुकेशन के लिए आया था आयरलैंड, वहाँ से जॉब मिली जर्मनी, कह रहे हैं कि एजुकेशन के लिए सारी प्रॉपर्टी बेच के, और फिर एजुकेशन के लिए प्रॉपर्टी बेच के और रिस्क लिया था इन्होंने कि जॉब मिल जाएगी जर्मनी में, और जॉब मिल गई और फैमिली को भी बुला लिया है अब यहाँ पर, और इन्जॉय कर रहे हैं वेकेशन इन स्विट्ज़रलैंड। तो एक बार सब एक बार आना चाहते हैं यूरोप, और उनको पता है लाइफ इज सॉर्टेड नाउ, बच्चों के लिए, उनके और फैमिली के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, एक बार रिस्क उठा के और आते हैं लोग यहाँ पर। और ये मेरी लास्ट ट्रेन राइड है स्विट्ज़रलैंड में, और इसी के साथ मेरे 15 दिन का स्विस पास भी ख़त्म होता है, कुछ 18 दिन में यूटिलाइज किया है, और बाय बाय स्विट्ज़रलैंड, दिस इज़ इट।